अरे रुके 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 दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को स्किप करने से पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि आज भी इस वीडियो में आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं कि फॉर्म कटर। जी हां दोस्तों, आज मैं वेस्टेज मटेरियल से आप लोगों को एक बढ़िया सा फॉर्म कटर यानी हार्डवेयर कटर में आप लोगों को बनाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं साहिद, स्वागत है आप लोगों का आज के टेस्टोरी का एक और नया वीडियो में। दोस्तों मेरा कुछ वीडियो में जो है बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर एक हार्डवेयर कटर बना के दिखाइए, एक हार्डवेयर कटर बना के दिखाइए। तो लीजिए दोस्तों आप लोगों के लिए पैसे एक बढ़िया सा हार्डवेयर कटर। दोस्तों ये है मेरा फॉर्म कटर का मशीन और ये रहा मेरा फॉर्म कटर का फ्रेम। दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एक SMPS से बढ़िया सा एक फॉर्म कटर मशीन आप कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम लो प्राइस में। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि आप वेस्टेज मटेरियल को यूज करके आप लोग कैसे एक फॉर्म कटर का मशीन बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब वेस्टेज मटेरियल बना के वेस्टेज मटेरियल से मैं आप लोगों को एक फॉर्म कटर मशीन भी इस वीडियो में आप लोगों में बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है तो प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इसको डिटेल में समझाने के लिए मुझे कैमरा एंगल को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब तक मैं कैमरा एंगल को चेंज करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है तो प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं कैमरा एंगल को पहले चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरा दो मशीन जो मैं फॉर्म कटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को जब पहले आप लोगों को मशीन के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्रेम के बारे में समझाऊंगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इस मशीन के बारे में। तो इसके लिए मैं इसको अभी मैं हटा देता हूँ, इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा, पहले हम लोग समझते हैं इस मशीन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके मैंने एक फॉर्म कटर मशीन बनाया है। तो ये देखिए दोस्तों ये फॉर्म कटर मशीन, ये देखिए दोस्तों इसको मैंने बनाया मेरे घर पर बहुत दिनों से एक पुराना वाला टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने खोला। तो खोलने के बाद मुझे ये ट्रांसफार्मर मिला, तो इसको मैंने मिस्त्री को दिया, इलेक्ट्रिक मिस्त्री को। तो उन्होंने मुझे ये इसको जो है मुझे 12 वोल्ट का एलिमीटर बना के दिया। तो यही मैं यूज़ करता था पहले मेरा फॉर्म कटिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत ही बढ़िया फॉर्म कटिंग होता है। तो आप लोगों के पास भी अगर टेप रिकॉर्डर है, अगर वो यूज़ नहीं होता है तो उसके अंदर से जो है ट्रांसफार्मर खोल लीजिए और मिस्त्री को दीजिए, 12 वोल्ट का एलिमीटर बना के देगा आपको। अगर आप लोग को इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर मिस्त्री बना के नहीं देता या फिर आप लोग खुद से ही बना नहीं पा रहे हो इसको, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसको बना के दिखा दूंगा। तो अभी जो है मैं इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो अभी मैं यूज़ करता हूँ ये SMPS। तो दोस्तों इसको मैंने कैसे बनाया वो जानने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास पुराना वाला टेप रिकॉर्डर है या फिर आप लोगों को कहीं से भी हो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो आप लोग उससे ही बनाइए। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी वो ट्रांसफार्मर नहीं मिलता और आप लोग खरीद के बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे एक SMPS खरीदिए और उससे बनाइए, क्योंकि इसका जो है बहुत सारा रीज़न है। अगर आप लोग वैसे सेम टू सेम अगर ट्रांसफार्मर खरीदने जाओगे मार्केट में तो आपका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, आपका प्राइस जो है 700 से 800 के अंदर आएगा वो ट्रांसफार्मर, और उससे भी लो प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। आप जहाँ पर कंप्यूटर सर्विसिंग सेंटर है वहाँ से आप लोगों को सेकेंड हैंड 200-300 में ऐसा एक SMPS आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग नया खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन मार्केट में आप लोगों को लो क्वालिटी का एक SMPS 700 से 800 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं इसलिए इसको बोलता हूँ कि आप लोग इससे खरीदिए, क्योंकि इसमें जो है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें कटिंग अच्छा होता है, क्योंकि इसके एम्पियर जो है बहुत ही हाई है। और दोस्तों आप लोगों के पास अगर मेरे जैसा फ्रेम है या फिर मेरा से छोटा या फिर मेरे से बड़ा भी अगर आप लोगों के पास फ्रेम है तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है तीनों वायर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है वोल्टेज निकलता है। तो आप कोई भी फ्रेम इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो है आप एक ही मेरा जैसे ही आप फ्रेम उसमें जो है यूज़ कर पाएंगे आप लोग। तो इसमें जो है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। दोस्तों इसको बनाने के लिए किसी भी मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही घर पे ही बैठ के इसको बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है एक कनेक्टर लगा होता है, तो कनेक्टर को मैंने दो तीन कनेक्टर होता है एक्चुअली, तो दो तीन कनेक्टर को ही मैंने काट के यहाँ से फेंक दिया है। और कलर के हिसाब से मैंने वायर को देखिए अलग अलग कर लिया है, देखिए कलर के हिसाब से, देखिए यहाँ पर जो है ब्लैक कलर मैंने अलग कर लिया, येलो कलर अलग कर लिया, जो है पिंक कलर मैंने अलग कर लिया और ऑरेंज कलर मैंने अलग कर लिया, देखिए। और भी दो तीन वायर आपको मिलेगा जो कोई भी किसी से मैच नहीं करेगा, वो आपको आप लोगों को अलग रख देना है, क्योंकि ये जो है किसी काम में नहीं आएगा। तो मैंने जो है जितने भी सारे ब्लैक कलर के वायर हैं देखिए सारे के सारे को एक कर दिया, हाँ सबको एक कर दिया। और यहाँ से जो है एक ही कलर का एक ही वायर जो है मैंने अच्छा वायर
मैंने यहाँ से निकल लिया है और यहाँ पर जो है मैंने क्रोकोडाइल क्लिप लगा दिया है। इसके ऐसे ही सेम टू सेम मैंने इसमें भी किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। दोस्तों आप लोगों का मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है इतने सारे वायर का रखने की क्या जरूरत है, एक एक कलर, एक एक कलर का एक एक वायर अगर मैं निकले तो ही तो हो जाता। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि सब वायर को ये रखने दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए ये तो मुझे बहुत दिनों तक यूज़ करना है, लंबे समय तक इसको यूज़ करना है, इसलिए जो है मैं इसको नहीं काटा कि एक अगर वायर अंदर से टूट गया हाँ तो मुझे फिर से खोल के सोल्डरिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सारे के सारे वायर में वायर को जो है मैंने रखने दिया और उस हिसाब से जो मैंने यहाँ पर एक ही वायर को जो है यहाँ से और यहाँ से भी जितने भी सारे वायर है उसमें से एक एक करके वायर मैंने निकाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कौन सा वायर से कितना वोल्टेज निकलता है। देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा है नेगेटिव वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव वायर, जितने भी सारे ब्लैक कलर का है तो ये हमारा नेगेटिव वायर चला गया। और दोस्तों ये देखिए अब कलर के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है वोल्टेज आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो ऑरेंज वाला वायर है, मेरे पास ऑरेंज कलर का वायर था नहीं इसलिए मैं मुझे जो भी मेरे पास था वो मैंने लगा दिया है, आप लोग आपके हिसाब से ही लगा लेना। तो जो ऑरेंज कलर का वायर है उसमें से यहाँ पर जो है मैंने लिख के रख दिया है कि यहाँ से 3.7 वोल्ट का करंट निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने अगर एक छोर में ब्लैक लगाया और एक छोर में ये वाला लगाया तो अगर छोटा मेरा फ्रेम है तो इसमें जो है काम चल जाएगा, 3.7 करंट निकलता है, 7 वोल्ट का करंट निकलता है। अच्छा उसके बाद आते हैं जो पिंक कलर में यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया है 5.10 वोल्ट इसमें निकलता है, ठीक है। मैंने सबको माप के रख दिया था ऐसे ही ओके, बाद में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैंने सारे के सारे जो है लिख के रख दिया था। तो ये पिंक कलर से जो है 5.10 वोल्ट निकलता है, यानी मान लीजिए 6 वोल्ट के आसपास निकलता है। तो मैं इसमें जो है अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो एक छोर में माइनस लगेगा और एक छोर में ये वाला प्लस पॉजिटिव लगेगा, तो ये अगर मेरे जैसा आप लोगों का मेरा जितना बड़ा ही अगर आप लोगों का फ्रेम है तो ये वाला ही आपको यूज़ करना है, और अगर मेरे से भी बड़ा फ्रेम है आप लोगों का तो आप लोगों का यूज़ करना है ये येलो कलर का, ठीक है। इसमें जो है 12 वोल्ट निकलता है तो आपको एक छोर में लगाना पड़ेगा नेगेटिव और एक छोर में पॉजिटिव लगाना होगा 12 वोल्ट का, अगर मेरे से भी ज़्यादा फ्रेम आपका बड़ा है तो, नहीं तो आप इसमें काम चला सकते हो, सॉरी इसमें नहीं इसमें आप लोग जो है काम चला सकते हो इसमें। तो दोस्तों ये तो गया वायर की बात। अब दोस्तों इसको जो है रन कराने के लिए आपको जो है दो तार को जो है शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। तो मैंने जो है यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है, इसका रीज़न है मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। ये आप कोई भी ब्लैक कलर का एक और ग्रीन कलर का आपको एक ही वायर मिलेगा, यह पूरा जितने भी सारे वायर है इसमें से एक ही वायर आपको नहीं मिलेगा ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का ले लीजिएगा और ब्लैक कलर में से किसी भी एक वायर को ले लीजिए और यहाँ से जो है आप ग्रीन कलर के एक ले लीजिए। तो इसमें अगर आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये आपका जो SMPS है रन करने लगेगा। तो इसमें स्विच मैंने इसलिए लगाया है कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से जो है माइनस और कोई भी अगर मान लीजिए 12 वोल्ट का पॉजिटिव जो है वो अगर टच हो गया तो SMPS कई बार ऐसा होता है कि बंद हो जाता है, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको खोल के फिर से ये शॉर्ट सर्किट को खोल के फिर से लगाना होगा, तभी आपका जो है SMPS रन करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। तो बार बार खोलना लगाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर एक स्विच ही लगा दिया कि जब ये मेरा SMPS बंद पड़ जाएगा तब मैं इसको ऑफ और ऑन करूँगा तब ये रन करना फिर से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया है। तो दोस्तों और कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही था। तो दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा इसके बारे में, तो मैं आप लोगों को और भी जितना हो सके इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा, आप लोग बड़ी आसानी से घर पर ही बैठ के इसको बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब आते हैं फ्रेम के ऊपर। तो दोस्तों ये देखिए मेरा फॉर्म कटर का फ्रेम। दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग अगर मेरी तरह ही एक फॉर्म कटर का फ्रेम बनाना चाहते हो तो इसका डायमेंशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप लोग बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें मैंने यूज़ किया है, देखिए दो तीन जो है लकड़ी का पट्टा मैंने यूज़ किया है, एक बड़ा वाला और दो छोटा वाला। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटा वाला तो इधर लगाया, लगाने के बाद यहाँ पर जो है मैंने इसको फिक्स कर दिया है, किले लगा के छोटा छोटा किले लगा के इसको मैंने फिक्स कर दिया है ताकि ना हिले, देखिए। और इस तरफ जो है मैंने
इस तरफ जो है मैंने नॉट बोल्ट से टाइट किया है, इसको मैंने फिक्स नहीं किया है, ये देखिए ये मैंने फिक्स नहीं किया है ताकि ये हिले, इसलिए ही मैंने इसको फिक्स नहीं किया है। यहाँ पर जो है जस्ट नॉट बोल्ट से मैंने हल्का सा टाइट करके रखा है और यहाँ पर मैंने जो है स्ट्रिंग लगा दिया है और इधर जो है मैंने एक रबर बैंड लगाया है। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ मैंने रबर बैंड क्यों यूज़ किया और इसको मैंने फिक्स क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों स्ट्रिंग जब हीट होता है हाँ तब ये थोड़ा बहुत फैलता है यानी बड़ा होता है, तो बड़ा होने के साथ साथ में अगर इसको फिक्स कर देता तो ये जब बड़ा होता हल्का सा तब ये ढीला ढाला हो जाता, तो ये इसमें जो है कटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने इसको जो है यहाँ से नट बोल्ट लगा के ये जो हिले ऐसा मैंने कर दिया है और उसके बाद यहाँ से जो मैंने रबर बैंड से इसको जो है बांध दिया है ताकि इसमें क्या होगा कि ये जब थोड़ा बहुत फैलता भी है तब इसमें जो है रबर बैंड इसको खींच के रखेगा, तो इसमें ये टेंशन जो है बना रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रबर बैंड लगाया है और यहाँ पर मैंने नट बोल्ट लगाया है। और दोस्तों ये आप लोग अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा जो है स्ट्रिंग यूज होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है नाइक्रोम वायर। दोस्तों नाइक्रोम वायर का प्राइस थोड़ा ज्यादा है और सबके पास नाइक्रोम वायर जो है अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने भी आज तक नाइक्रोम वायर का यूज नहीं किया है। मैं जो यूज करता हूँ वो गिटार का जो सेकंड नंबर जो स्ट्रिंग होता है वही मैं यूज करता हूँ, यानी दो नंबर के स्ट्रिंग जो होता है वही मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। उसमें जो है बढ़िया सा कटिंग होता है, उसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 10-15 रुपए लेगा। तो आप लोग भी वैसा जो है अगर आपके पास नाइक्रोम वायर नहीं है तो गिटार का जो सेकंड नंबर जो स्ट्रिंग है वो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। और दोस्तों जो मेरा मशीन है यानी जो SMPS है उसका वायर छोटा है, इसलिए मैंने क्या किया इधर से एक वायर लगा दिया है एक बड़ा वाला और इधर से भी एक लगा दिया है उसका जो है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा करके वायर लगा दिया है, जस्ट जो है वायर को बड़ा करने के लिए यही लगाया है मैंने। तो यहाँ जो छोर है इसमें जो है 12 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट में लगाऊंगा और एक मैं माइनस लगाऊंगा और एक जो है 6 वोल्ट जो जिससे निकलता है वो वाला लगाऊंगा, तो ये जो है वायर जो स्ट्रिंग जो है वो हीट होगा और मेरा फोम जो है कटिंग होगा। तो और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आप लोगों को अभी जो है थोड़ा बहुत कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को कुछ थर्मोकोल कटिंग करके दिखाऊंगा इसमें, तो उसके लिए हमें जो है इसमें एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसमें जो है नेगेटिव लगा देता हूँ और इसमें मैं लगाऊंगा पॉजिटिव, कोई में दोनों में से कोई भी एक में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने से ही हो जाएगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मैंने नेगेटिव लगा दिया है और इसमें जो है मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, पॉजिटिव में इस फ्रेम के हिसाब से इसमें जो है मैं 5 पॉइंट समथिंग जिसमें से वोल्टेज निकलता है वो वाला यूज़ करूँगा। अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो उतने हीट मुझे नहीं चाहिए, और अगर कम लगा दिया यानी 3.7 का लगा दिया तो कम हीट होगा, तो उतना कम भी मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेम के हिसाब से मैं इसमें जो है 5 पॉइंट समथिंग जो जिसमें निकलता है वोल्टेज वो मैं यूज़ करूँगा। तो इसको मैं अभी लगा देता हूँ, ये देखिए मैंने जो है कनेक्शन कर दिया है। अब मुझे SMPS को ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, ये देखिए ये इसका ओपन स्विच, तो मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा जो है ऑन हो गया है लेकिन SMPS अभी भी रन नहीं कर रहा है। इसका कारण है कि यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट सर्किट वाला स्विच है वो अभी तक मैंने ऑन नहीं किया, ये जब भी मैं ऑन करूँगा तभी ये जो है रन करने लगेगा, तो मैं अभी इसे ऑन कर लेता हूँ। हाँ ये देखिए दोस्तों मैं इसको ऑन करते ही SMPS जो है रन करने लगा है, तो इसका मतलब है मेरा जो स्ट्रिंग है वो हीट होने लगा है, तभी मैं इसमें कटिंग कर सकता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो थर्मोकॉल है वो हाई डेंसिटी थर्मोकॉल है, मैं आप लोगों का अभी कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कटिंग हो रहा है, देखिए कितना स्मूथली कट रहा है कोई थर्मोकॉल है, हाई डेंसिटी थर्मोकॉल है, कितना बढ़िया कटिंग हो रहा है देखिए दोस्तों। सच में इसमें जो है बहुत ही बढ़िया कटिंग होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप लोग भी ऐसा बनाइए हॉट वायर कटर और उसको जो यूज़ करके देखिए कि जो है कितना बढ़िया कटिंग करता है। आप लोग चाहे हाई डेंसिटी थर्मोकॉल हो या फिर लो डेंसिटी थर्मोकॉल हो, आप किसी भी शेप में बड़ी आसानी से इसमें कटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कटिंग हो रहा है, कितने स्मूथली कटिंग हो रहा है देखिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बार कह देता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं से भी ट्रांसफार्मर मिले, कॉपर वायर वाला ट्रांसफार्मर मिले, तो आप लोग उससे बनाइए, क्योंकि उसमें जो खर्च बहुत ही कम खर्च में आप लोगों का एक मशीन बन जाएगा, 150 के अंदर आप लोगों का एक मशीन जो है बन जाएगा। और अगर आप लोगों को कॉपर वायर वाला ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है तो अगर आप लोग खरीद के बनाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग SMPS खरीदिए, नया वाला हो या फिर सेकेंड हैंड, आप लोग SMPS खरीदिए और उससे बनाइए। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इसमें जो है इससे जो है कितना बढ़िया, कितना स्मूथली कटिंग हो रहा है थर्मोकॉल, ये हाई डेंसिटी थर्मोकॉल में आप लोगों को
कटिंग करके अभी जो है दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो है मैं ईयर फॉइल शेप दे रहा हूँ, तो कितना बढ़िया कटिंग हो रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है बहुत ही बढ़िया कटिंग हो रहा है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सेव हो गया, देखिए एक ईयर फॉइल सेव का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।